थी और शाम टाइम देख रही थी, 6 बज रहे हैं और हम लोग ना सुबह से एक्चुअली मेरे कपड़े आप देख रहे हैं, मैं सुबह धोए थे एक्चुअली। और हम लोग अभी ना, पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बट हमें ना हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं उनके घर जा रहे हैं। और मेरे आज अभी तक आप मेरा डाइट वाले ब्लॉग देख ही जा रहे थे, एक दो ब्लॉग मैंने डाले। और आज मैंने शाम को कुछ भी मतलब एकदम से सडनली एकदम प्लान बना, और सैटरडे है आज तो हम लोग जा रहे हैं आज चले के रहे, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, 100 किलोमीटर आई थिंक, हाँ तो वहाँ जा रहे हैं। देन विवान और हस्बैंड दोनों ही अंदर गाड़ी में चले गए और मैं हूँ यहाँ पे, मैं देख रही हूँ सब कुछ, लॉक कर देती हूँ अच्छे से, बंद कर देती हूँ। और मुझे ना सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का भी समय नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत क्या था ना, सुबह से आज तो मैंने घर के डीप क्लीन किया है घर को, और अच्छे से सब तरह से सजन बैठ के झाड़ू पोछा ये सब कुछ, कुछ रहा नहीं होगा, मैं ये बंद कर देती हूँ गेट। मिलते हैं। ये कौन बैठ गया अंदर, ये लड़का कौन बैठ गया, कौन बैठा है ये दिन दिन बाद गाड़ी में, मैं पीछे रख के बैग यार। कौन बैठ गए, कौन बैठा है ये लड़का, बीबी कहाँ जा रहा है, बहुत दिन बाद बीबी जा रहा है घूमी घूमी करने, घूमी घूमी करने नहीं कपड़ों के साथ, नहीं कपड़ों के साथ क्या हो गया, हमें वैसे बहुत शाम हो गया है और हमें थोड़ा 1 घंटा पहले निकलना चाहिए था, बट हमारा एकदम से डिसाइड हुआ और एकदम से हम निकल गए, और ना एकदम से प्लान बना और एकदम से निकल गए, वही हिसाब था। अदरवाइज थोड़ा देर 1 घंटा पहले निकलते तो शायद ठीक रहता, पर अभी शाम हो गई है और हमें पहुँचते पहुँचते 1-1.5 घंटा लगे तो रात हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्वीट शॉप है और मैं और विवान स्वीट्स लेने जा रहे हैं, जो भी मुझे अच्छी स्वीट लगेगी, यहाँ राजस्थानी है ये, बहुत अच्छी स्वीट्स होती है यहाँ पे। तो इसके बाद ये देखो अभी 1 से 1.5 घंटा आई थिंक हमें लगेगा, और हमें मैप इतना ही दिखा रहा है, तो अंधेरा हो गया है बिल्कुल और गाने लगे हुए हैं गाड़ी में। तो रात का ना ऐसे बहुत बहुत अच्छा लगता है, पता है रात को जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाओ ना, तो और ऊपर से जहाँ ट्रैफिक ना हो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब एक तो बिल्कुल अंधेरा हो गया है और इतना मतलब इतना मज़ा आता है, शांत होती है बिल्कुल, और ऊपर से जो ये हाईवे है ना, हाईवे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हाईवे है, यहाँ पे पूरी लाइटिंग सी बहुत अच्छा सा लाइटिंग लगी होती है। और देखो अभी हमें और समय लगने वाला है बहुत ज़्यादा, बस तो हम लोग 1 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। और ये सामने आ गया टोल टैक्स, और इसके आगे तो इतना सुंदर हाईवे है ना, मतलब ये देखो कितना सुंदर हाईवे है, यहाँ पूरी लाइटिंग लगी हुई है और ये पूरा चले केरे तक ऐसा ही है, और बहुत 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 सुंदर लगता है जब यहाँ से, मतलब ये तो फिर भी ये तो वैसा है ना, आगे जाके तो 4 लेन है, वो और भी ज़्यादा सुंदर है, और भी ज़्यादा अच्छा लगता है वो देखने में, बहुत प्यारा लगता है। रात को ये व्यू ना देखने वाला होता है, रात को कई बार मन करता है ऐसे निकल जाओ, तो इस वाले रोड पे आने का बड़ा मन करता है मुझे, मुझे लाइटिंग बड़ी पसंद है, जो लाइटिंग होती है ना रात को सड़क के आसपास में बिल्कुल लाइटिंग। और विवान सो गया है, विवान बस थोड़ी देर ही बेचारा खेला और उसके बाद सो गया बेचारा, तो हम सुशांत थोड़ा सा पीता वो मैंने गिराएगा सारा, बंद कर दो, बंद करो कैसे कर रहे देखो, चलो चलो चलो, मम पी लो विवान, बहुत आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज ना संडे है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या 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 हो रहा है, और हम लोग रात भी थे 1-1.5 बजे सोए थे हम लोग, और सुबह अभी 8:30 8:30 बजे रहे दीवान उठ के वहाँ बैठा हुआ, क्या कहते कर रहे सब लोग बाहर है, सोई हुई है जी, मैं वेट चेक कर लूँ सब उठ के शाम को, मैं वेट चेक करती हूँ पानी आ रहा पानी पी लूँगी, एक्सरसाइज तो आज नहीं हो रही है, एक्सरसाइज आज नहीं करूँगी और घर जाके मैं वॉक एक्सरसाइज सब कुछ करूँगी, नींद में स
सपने में भी अगर सपने आए होंगे ऐसे। तो सुबह सुबह मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, और वैसे तो मैं मोस्टली पीती नहीं हूँ, मैंने घर पे भी नहीं रखी है, बट अभी पी रही हूँ। और देखो भैया और विवान बाहर कैसे खिड़की में थोड़ा रो रहा था विवान, और भैया ने इसको उठा के यहाँ पे दोनों ही बाहर देख रहे हैं। और विवान को देखो, बीबी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, हाँ क्या कर रहे हो, क्या क्या तो मम्मी अंदर है, बीबी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शरारत नहीं, हाँ दे दी दे दी, बस बन के परांठे अभी तैयार है, बताए अभी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, बताए चलो 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 मैं बोला भाभी कुछ बचा तो नहीं है, बोलते हाँ सुशांत भी है बचे, बोले उनको लेके आना है, फिर उनको लेके आता हूँ, चलो चलो क्या हुआ, हाँ चलो। हम लोग ना अभी जस्ट हमें यहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, और भैया दिया विवान को गिफ्ट जो मैंने हाथ में पकड़ा, और विवान चल रहा है, वो लोग पीछे आने वाले हैं, हम लोग गाड़ी तक जा रहे हैं, एंड गाड़ी तक जा रहे हैं हम लोग ना, तो थोड़ी यहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं खुद दिखाती हूँ किसी प्लेस आराम से आराम से आराम से आराम से, ट्रक में जाना है, इसमें नहीं जाना, चलो चलो आ जाओ 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 तो विवान को तो आगे बैठना था, और भैया विवान आगे बैठे हुए हैं, और भैया की गोद में विवान है। तो यहाँ पे ना बड़ा इंजॉय कर रहा विवान, जब हिमाचल गया था तब उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि रोड बहुत थोड़े टेढ़े मेढ़े ही है ना, तो उसको चक्कर आ रहे थे थोड़ा सा, मतलब वो काफ़ी प्रॉब्लम हुई उसको, बट यहाँ पे स्ट्रेट रोड है, चक्कर उल्टी ऐसा कुछ भी नहीं होता, और मतलब बहुत मज़ा आता है जब ऐसे रोडों में जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग मतलब मेरे को पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं इतना वो कर पाऊँगी, बट इतना सुंदर इतने अच्छे रोड है ना कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, मतलब ड्राइव करने का। डैम का नाम क्या है, कहाँ पे डैम, कहाँ पे डैम का नाम नहीं बताऊँगी, सुंदर सा मंदिर भी है क्या पे, ऊपर है डैम ना, तो मुझे ना जहाँ भी बच्चों के खिलौने दिखते हैं ना, मैं वहीं चली जाती हूँ, मैं और विवान जा रहे हैं हम लोग खिलौने देखने, विवान के लिए कुछ ना कुछ खेलने के लिए, मेरे को बड़ा मन करता है विवान ऐसे बेचारा छोटा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ खेलने को हो। ओ बाप रे बाप, भयानक है यार, ऊपर तक है तो बहुत चढ़ाई है, बाप रे बाप, नीचे से मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी अच्छी लोकेशन नहीं, ऊपर जाके देखो कितनी सुंदर लोकेशन है, मतलब नीचे से ऐसे ही लग रहा था मेरे को, पर ऊपर से ना बड़ा प्यारा लग रहा है, देखो कितना प्यारा डैम है यहाँ पे, बड़ा प्यारा लग रहा है। नीचे से मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा, बट ऊपर आके देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ऊपर से ये जो स्टेयर्स है ना, ये स्टेयर चढ़ के आधा वेट तो वैसे ही इंसान का कम हो जाए, तो मतलब सीधी चढ़ाई है ऊपर से विवान के साथ, तो आधे रास्ते बेटा
गुड बॉय, चलो 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 चलो। लोग पीछे चले गए, हम लोग चले आराम से धीरे धीरे। बीबी जा करो जा करो जा, कहाँ जा? हाँ छोड़, यहाँ से छोड़ा पानी, देखो ना इधर नीचे जाना चाहिए। तो हम लोग अब जा रहे हैं वापस, और बहुत अच्छी ड्राइव थी, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और विवान को देखो, पूरा भाभी के साथ खुश हो गया। ये सबके साथ ही खुश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ही फ्रेंडली हो जाता है। और जो जो इसको प्यार करता है उसके सबके साथ ये बहुत खुश हो जाता है। बच्चों को क्या होता है ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। और विवान तो बहुत ज़्यादा, जो उसको ज़्यादा प्यार करेगा खेलेगा तो उसके साथ मतलब बिल्कुल विवान मतलब सो हो, पता ही नहीं लगेगा कि हाँ इसे फर्स्ट टाइम मिला है। तो विवान का ऐसा ही, कितने बजे चलेंगे तो ये तो बता दो। मतलब चलने वाले थोड़े देर, टाइम कितना हुआ है? आधे घंटे में। नहीं नहीं 7-8 बजे नहीं यार, बिल्कुल रात में पहुँचते हो। बहुत रात हो जाएगी भैया। नहीं वो सब्जी मंडी जाना ना आगे, मुझे सच में जाना सब्जी मंडी। सब्जी एक हफ्ते की सब्जी कहाँ से लाएंगे फिर? ये तो चल जाएंगे ऑफिस। बाय भैया। अब हम निकल गए हैं घर, और थोड़े टाइम में हम घर पहुंच जाएंगे, 1-1.5 घंटे में। उसके बीच में मुझे 2-3 काम है, फ्रूट्स लेने हैं, सब्जी लेनी है, क्योंकि पूरे हफ्ते का फिर एक बार स्टॉक हो जाए ना घर में तो हस्बैंड को टाइम नहीं होता है। तो यही टाइम होता है मुझे सब कुछ करने का, सब्जी भी ले लूँ। एक ही छुट्टी, जो छुट्टी होती है उसी में मैं सब्जी सब कुछ ले लेती हूँ। और बीच में कभी विवान को सब गोद में ले जाके 1-2 किलोमीटर इतना दूर जाना, घर से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इसलिए हम सब कुछ आज ही करने वाले हैं। लोगों ने लेट हम लोग खाने की बस तो चल भैया हम लोग घर जा रहे हैं। हम लोग निकल गए हैं बैलारी के लिए, और यहाँ से हमें 1.5 घंटा लगने वाला है। उसके बीच में बहुत सारी सब्जियाँ ले ली, और बीच में बहुत सारे फ्रूट्स भी लिए थे। और फ्रूट्स रखे हैं फ्रूट्स, और वो जो पॉलिथीन वो फ्रूट्स हैं। और बहुत आगे जाके हम लोग बहुत से वेजिटेबल्स लेने वाले हैं, क्योंकि विवान है भोजरी। तो सेम लास्ट की तरह शाम हो गई, और बहुत प्यारी लाइटिंग है, और लॉन्ग ड्राइव भी हो गई है। और रोमांटिक से गाने के साथ गाइस आज के ब्लॉग का हम करते हैं एंड, और मिलते हैं विद इन न्यू ब्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। विवान सो गया है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।